नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट एड और गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट एड यानी कि प्रथम उपचार क्या होता है। तो इट इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल एक्सपर्ट अटेंड्स द इंजर्ड पर्सन। इसका मतलब है इमीजिएट हेल्प यानी कि तत्काल रूप से मदद करना। किसको करना? तो जो क्षतिग्रस्त या पीड़ित इंसान है या घायल इंसान है उसे मदद करना। कब तक करना है? जब तक उसे मेडिकल एक्सपर्ट यानी डॉक्टर के सामने हम हाजिर न कर सके तब तक के लिए। और किसे करना है? घायल व्यक्ति को। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है फर्स्ट एड की, प्रथम उपचार की। फर्स्ट एड का एम क्या होता है यानी ध्येय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहला उद्देश्य है टू प्रिजर्व लाइफ यानी कि जीवन की रक्षा करना। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रिवेंट फर्दर हार्म यानी अगर खून बह रहा होगा तो उसे वहां रुका देना ताकि ज्यादा खून बहने से और रोगी की जान ना जा सके। उसके बाद प्रमोट रिकवरी यानी कि जो क्षति या घायल हुआ है वो व्यक्ति को आराम मिलने के बाद वो रिकवर हो जाए। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स इसीलिए बनाए हैं ताकि जब कोई एक्सीडेंट होता है या किसी को चोट लगती है या कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसका प्रथम उपचार करते वक्त हमसे कोई स्काउट से या गाइड से कोई भी गलती ना हो। तो उसी वजह से यह गोल्डन रूल्स हमें हमेशा याद रखने हैं। जब कभी भी हम फर्स्ट एड करेंगे तो हमें इन गोल्डन रूल्स का अनुसरण करना है ताकि हम जो फर्स्ट एड कर सके वो ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा असरदार हो और सही हो। तो सबसे पहला नियम है डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट एड में बताई गई चीज़ें हैं उसी क्रम के अनुसार आप वो चीज़ें करें। उसके बाद डू इट क्विकली एंड क्वाइटली विदाउट एनी पैनिक यानी कि जो प्रथम उपचार में बताए गए चीज़ें होती है या जो इलाज करना है तो उसे झटपट करें और शांति से करें, बिना हड़बड़ाहट के साथ करें ताकि जो भी आप प्रथम उपचार करेंगे उसे उस घायल व्यक्ति को परेशानी ना बढ़े और आपसे कौन सी भी गलत काम आपसे ना हो। उसके बाद है बी काम एंड कॉन्फिडेंट यानी यदि आप किसी घायल व्यक्ति को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो और आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके हाथ पैर लड़खड़ा रहे तो आप उस घायल व्यक्ति का इलाज कैसे कर सकेंगे। इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंट होना है और काम यानी आपको बड़े ही आराम से बिना हड़बड़ाहट के प्रथम उपचार करना है। उसके बाद है टॉक टू इंजर्ड पर्सन, जो व्यक्ति घायल है उसे उससे बात करना है ताकि हमें पता चल सके उसे कहाँ पे लग गया है या कहाँ वो घायल हो गया है, कहाँ पे उसे चोट आई है या क्या हुआ है। उसके बाद लिसन द इंजर्ड पर्सन, अगर वो कह रहा है या मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो उसे आपको तसल्ली देनी है कि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप आराम से रिकवर हो जाओगे। ये देखो नीचे लिखा भी है। नेक्स्ट है एश्योर द पर्सन, उस व्यक्ति को तसल्ली दो कि उसे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लगा है और वो आराम से उस चोट को आसानी से भर देगा और उसका इलाज हो जाएगा, इतना कुछ बड़ा उसके साथ घटना नहीं हुई, ताकि उसे भी राहत मिल सके और वो निश्चिंत होकर रहे। उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड, जब कभी रास्ते में कौन सा हादसा या अपघात होता है तो एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त लोग क्या करते हैं, देखने के लिए भीड़ करते हैं, मदद के लिए कोई भी नहीं आता लेकिन भीड़ करके उस जो घायल व्यक्ति को डराते रहते हैं या उसके सामने बहुत भीड़ इकट्ठा होने के बाद वो जो इंसान होता है उसे ऑक्सीजन का सप्लाई कम मिलता है और कुछ बार शॉक वगैरह लगा हो मतलब सदमे में होता है व्यक्ति तो वो और वो जो भीड़ है देखकर और डर जाता है। इसकी वजह से क्या करना है, जो भी क्राउड आती है उसे वहाँ से दूर करना है ताकि वो इंजर्ड पर्सन घायल व्यक्ति आराम से अपना इलाज कर सके, फर्स्ट एड हम कर सके। उसके बाद है डोंट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरीली, यदि उस व्यक्ति को सुनने के बाद आपको लगता है कि उसको ऐसी जगह चोट आई है या ऐसा कुछ हुआ है तभी उसके क्लोथ्स आपको जिस जगह उसे लग गया है या वो जहाँ चोट आई है उसी जगह पर
के कपड़े ही सिर्फ हटाने हैं और उतना ही हमें इलाज करना है, अननेसेसरीली हमें कपड़े उतारने नहीं है, ताकि उस व्यक्ति का भी सम्मान और गरिमा, सोशल जो गरिमा होती है, सम्मान होता है, वो बना रहे। उसके बाद आता है, इसका एक बढ़िया उदाहरण है, आपने रोबो मूवी देखा होगा, तो एक जगह पे आग लगी हुई होती है और वो रोबोट जो रजनीकांत होते हैं हमारे सुपरस्टार, वो बचाने जाते हैं उधर। तो वो जो चिट्टी नामक रोबोट होता है वो क्या कर लेता है, एक महिला नहा रही होती है उसे वैसे ही उठा के लाता है, तो उसी वजह से उसे अनसिक्योर फील हो जाता है। और बाद में का आप मूवी देखिए, आपको समझ में आएगा। तो अननेसेसरीली आपको किसी के भी घायल व्यक्ति के कपड़े उतारने नहीं है। उसके बाद अरेंज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैजुअल्टी, यानी कि जो व्यक्ति मरीज है उसके लिए आपको एम्बुलेंस को बुलाना होगा या कौन सी भी प्राइवेट कार या कौन सा भी वाहन का इस्तेमाल करके उसे अस्पताल पहुंचाना हमारी पहली जिम्मेदारी होती है। तो हमें उसके लिए एक वाहन का प्रबंध करना होगा। नेक्स्ट, रिमेंबर यू आर नॉट डॉक्टर, सो डोंट बिहेव लाइक अ डॉक्टर। कुछ लोगों को आदत होती है कि वे खाली के लिए डॉक्टर बन जाते हैं फर्स्ट एड में, उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन उनके इस रवैये की वजह से बहुत बार गलत इलाज की वजह से जो घायल व्यक्ति होता है उनकी जान जा सकती है। इसकी वजह से हमें हमेशा याद रखना है, हम फर्स्ट एड कर रहे हैं ना कि इलाज कर रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्टर है इलाज करने के लिए, हमें सिर्फ उसको क्या करना है, फर्स्ट एड देना है, और हमें हमारा काम इतना ही है कि हम उसे डॉक्टर तक पहुँचाएँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन्फॉर्म इमीडिएट रिलेटिव्स एज सुन एज पॉसिबल। जो घायल व्यक्ति है उसके जो माता पिता, भाई बहन, जो उसके पास के रिश्तेदार है, उनको हमें संपर्क करके उन्हें बताना है। लेकिन ये कब करना है, जब आप उस व्यक्ति को अस्पताल में या डॉक्टर के पास दाखिल करते हो, उसके बाद ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ ब्लीडिंग स्टॉप इट, मतलब अगर बहुत खून बह रहा है या खून बह रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस खून को जो फर्स्ट एड में बताए गए मेथड से उसका इस्तेमाल करके उस खून को हमें खून के बहाव को रोकना है, ताकि उस मरीज की जान बच सके। उसके बाद ट्रीट फॉर द शॉक, यदि किसी व्यक्ति को सदमा लगता है, कोई डर के मारे वो सदमे में चला जाता है, तो उसे हमें तसल्ली देनी है, उसके साथ बात करनी है, उसे पानी पिलाना है, ताकि उसे आराम मिल सके, और वो आराम से उसके और ध्यान देना है, ताकि उसको जो सदमा लगा है वो कम हो सके और वो नॉर्मल पे आ सके। उसके बाद नेक्स्ट है ABC रूल, ये ABC रूल फर्स्ट एड का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी के साथ साथ ही अभी इसके साथ ABC के साथ एक D भी जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं वो क्या है। तो A फॉर एयरवे, अगर किसी को फर्स्ट एड देना है और वो व्यक्ति समझो होश में नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना है उसका एयरवे, यानी कि उसकी सांसें चल रही है क्या, या उसके सांसों को कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है क्या, वो देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रीदिंग, क्या वो सांस ले पा रहा है या नहीं, ये हमें कंफर्म करना है कि वो सांस ले, अच्छी तरह से सांस ले, ताकि उसे हम डॉक्टर तक आसानी से पहुंचा सके। उसके बाद सर्कुलेशन, यदि कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है या उसकी सांस थमने वाली है, तो जो CPR की मेथड है या उसका हार्ट पे पंप करके आपको उसका सर्कुलेशन बढ़ाना है, ताकि वो सांस लेता रहे। उसके बाद D, जो एक नया कंसेप्ट ऐड हो रहा है अभी फर्स्ट एड में, वो है डेडली ब्लीडिंग। जब एक्सीडेंट होता है और ढेर सारा खून बहने लगता है, तो उस वक्त हमें उस बहने वाले खून को रोकना चाहिए, जो हमारे फर्स्ट एड में बताए गए हुए मेथड से उसका इस्तेमाल करके, ताकि हम लोग उस मरीज की, उस क्षतिग्रस्त व्यक्ति की जान बचा सकते। उसके बाद है डू नॉट अटेंड टू मच, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कुछ बार क्या हो जाता है कि हम लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा तसल्ली दे देते हैं या उसे बोल देते हैं अरे कितना खून बह रहा है या बहुत लगा है, वैसा मत करिए। उस व्यक्ति को ज़्यादा अटेंशन या उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, वो बताएगा मुझे लगा है यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमें हमारा फर्स्ट एड पूरा करना है। और फर्स्ट एड का जो एम है हमारा, कि हमें उसे मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल एक्सपर्ट के यहाँ हमें उसे पहुँचाना है, तो हमें उस पर पहले ध्यान देना है। तो ये था फर्स्ट एड और उस फर्स्ट एड के गोल्डन रूल्स। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और हमारी वेबसाइट allaboutscouting.com को विजिट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।